नमस्कार दोस्तों, जैन मेरा नाम है तन्मय। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है पेडलर तन्मय। तो आज मैं बात करूंगा आपको साइकिल के दूसरे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है हमारा टायर। तो ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होगा। ये पार्ट जो अभी है वो इस हफ्ते आएगा और जो दूसरा पार्ट है वो अगले हफ्ते आएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी देने के लिए पर हमारे पास उतना वक्त है नहीं। तो आखिर तक बने रहिए, अगले वीडियो भी ज़रूर देखिए ताकि आप थोड़ा कुछ जानकारी जान सको साइकिल के टायर के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बाइसिकल टायर होता क्या है। बाइसिकल टायर वो टायर है जो किसी भी तरीके के बाइसिकल व्हील में या तो सिमिलर व्हीकल के व्हील में फिट हो सके, आसानी से फिट हो सके। ये व्हीलचेयर्स में भी यूज़ होते हैं और ये हैंड साइकिल्स में भी यूज़ होते हैं, सबसे स्पेशली रेसिंग्स के लिए। और ये हमें ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि है सस्पेंशन, और ये ऐसा फोर्स भी जनरेट करते हैं जिससे हमें बैलेंसिंग में हेल्प होती है, टर्निंग में हेल्प होती है, ब्रेकिंग में हेल्प होती है और प्रोपल्शन में भी हेल्प होती है, जिससे हमारा स्पीड बढ़ता है। जो आजकल के न्यूमेटिक टायर्स है वो सबसे अच्छे सोर्स है हमारे जो रोलिंग रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए, अगर कंपेयर किया जाए पहले के रिजिड व्हील से और सॉलिड टायर से। ये टायर जो ये न्यूमेटिक टायर्स है वो अभी भी सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है, मतलब एयर ट्रैक के बाद, जो कि रोड का कंजप्शन सबसे ज़्यादा करते हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर है साइकिल की सेफ्टी को देखते हुए। बाइसिकल टायर्स का यूज़ यूनिसाइकल्स में भी होता था, ट्राई साइकिल्स में भी होता था, क्वाड्रोसाइकल्स में भी होता था, टैंडम बाइसिकल्स में भी होता था और बाइसिकल कैरियर्स में भी होता था। सबसे पहले जो बाइसिकल में टायर होते थे वो वुडन व्हील के साथ होते थे और उसके ऊपर आयरन बैंड यूज़ होता था, जो कि पुराने वेलोसिपीड्स में देखा होगा। फिर धीरे धीरे सॉलिड रबर टायर यूज़ होने लग गए पैनी फर्दिंग वगैरह में। तो जो सबसे पहला पेटेंट था रबराइज्ड व्हील बनाने का वो मिला था क्लेमेंट एडर को, वो जो कि 1868 में मिला था। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा राइड को और कंफर्ट करने के लिए जो रबराइज व्हील होते थे उनको अंदर से हॉलो करना शुरू कर दिया, मतलब एक ट्राई किया उन्होंने सिर्फ। फिर जो सबसे पहला न्यूमेटिक टायर बना था वो बनाया था जॉन डनलॉप ने, जो कि 1887 में बनाया था उनके बेटे के साइकिल में, मतलब ये एफर्ट डालने के लिए कि उनके बेटे को जो प्रॉब्लम होता था, जो हेडेक होता था रफ रोड्स में चलाने के लिए, वो रिड्यूस करने के लिए। फिर इससे उनको ये अवार्ड भी, मतलब इसके लिए भी उन्हें क्रेडिट दिया गया कि ये रियलाइज़ करने के लिए कि हॉलो टायर्स को अंदर से हवा भर के अपन किसी भी शेप या उसमें चेंज करके उसका स्ट्रेंथ बिना कम किए उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर उन्होंने कंपनी खोला 1889 में जॉन डनलॉप न्यूमेटिक टायर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से। फिर 1890s में उन्होंने टफ कैनवास लेयर यूज़ करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा के ताकि पंक्चर रिड्यूस कर सके। फिर जो सबसे पहला डिटैचेबल, मतलब रिमूवेबल वाला डिटैचेबल जो टायर्स न्यूमेटिक टायर्स है वो इंट्रोड्यूस किया एडवर्ड मिशलिन ने, जो कि मिशलिन टायर्स के फाउंडर भी है। उन्होंने ये किया क्लैम्प्स के मदद से। पहले क्या करते थे लोग, ग्लू से, मतलब जो साइकिल के व्हील्स बनाते थे वो ग्लू से डायरेक्ट व्हील को और टायर को चिपका देते थे। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्लैम्प्स के साथ, मतलब सेपरेट इनर ट्यूब रहेगा, ऊपर टायर रहेगा और क्लैम्प्स के साथ इजीली रिप्लेस कर सकते हैं या तो रिमूव कर सकते हैं। फिर रेसर्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी करने लगे क्योंकि इससे स्पीड भी बहुत बढ़ता था और स्पीड चलाने में हेल्प होता था। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बाइसिकल के टायर कौन से टाइप के होते हैं। जो हमारा पहला टाइप है वो है न्यूमेटिक टायर। न्यूमेटिक टायर वो टायर है जिसके अंदर प्रेशराइज्ड एयर भरा जाता है, या तो वो इनर सेपरेट इनर ट्यूब के साथ आते हैं या तो फिर वो डायरेक्टली रिम के साथ कनेक्ट कर देते हैं ट्यूबलेस सिस्टम के जैसे। ये इसलिए भी सुपीरियर होते हैं क्योंकि ये रोलिंग रेजिस्टेंस भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं और उसके साथ इफेक्टिव कुशनिंग भी देते हैं और सॉफ्टनेस भी देते हैं। अगला टाइप है ट्यूबुलर टायर। ट्यूबुलर टायर हमेशा सेपरेट इनर ट्यूब के साथ ही आते हैं, जो कि बना होता है ब्यूटाइल रबर से या तो फिर लेटेक्स से, जो कि एक अच्छा बैरियर भी प्रोवाइड करता है एयर टाइट, ताकि अंदर से हवा बाहर ना लीक हो सके। ये टायर टोरस बलून शेप के भी होते हैं और अलग अलग शेप के भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जो बाइसिकल इनर ट्यूब यूज़ करते थे मॉस्को बाइक शेयरिंग सर्विस में, वो सिंपली एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा टायर होता था जिसको कॉइल करके आसानी से किसी भी टायर के अंदर फिट किया जा सकता था। अगला टाइप है ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है माउंटेन बाइक्स में, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी है लो से लो एयर प्रेशर में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है बिना किसी पंचर के। ट्यूबलेस टायर सिमिलर ही होता है क्लिंचर टायर्स के जैसे, पर उनमें जो बेड्स होता है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है ट्यूबलेस कंपेटेबल रिम्स के साथ इंटरलॉक करने के लिए बिना किसी इनर ट्यूब के। उसमें जो हवा भरा जाता है वो डायरेक्टली टायर में भरा जाता है, जो कि डायरेक्टली रिम को लॉक कर देता है, जो कि सिस्टम एयरटाइट हो जाता है। फिर उसमें सीलेंट का भी यूज़ करते हैं लोग, कि उसमें सीलेंट इंजेक्ट करते हैं
और अगर सपोज कभी पंक्चर आ गया तो फिर वो डायरेक्टली उस पंक्चर को सील कर देगा और हवा बाहर जाने से रोक देगा। और ये टायर स्पेसिफिकली सिर्फ ट्यूबलेस कंपेटेबल रिम्स के साथ ही आते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पोक्स है स्पेशली डिज़ाइन किए रहते हैं इसको ट्यूब को मतलब रिम को एयरटाइट करने के लिए, ताकि हवा बाहर नहीं निकल सके। अगला टाइप है रोड ट्यूबलेस। 2006 में शिमानो और हचिनसन ने ट्यूबलेस सिस्टम निकाला रोड बाइसिकल्स के लिए। स्टार्टिंग में ज़्यादा चला नहीं, ज़्यादा लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इसमें स्पॉन्सरशिप बहुत ही कम थे। फिर धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करने लग गए जो कि इसे अफोर्ड कर सकते थे। अगर कंपेयर करेंगे पुराने क्लिंचर टायर से तो ये टायर थोड़ा ज़्यादा टाइटर होते थे, जिससे क्या होता था इसमें माउंटिंग और इसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता था, तो लोगों ने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया। अगला टाइप है एयरलेस टायर्स। एयरलेस टायर्स न्यूमेटिक टायर्स के पहले डेवलप किए जाते थे, जो कि आपने वेलोसिपिड्स में देखे होंगे 1869 में। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने डेवलप करना चालू किया और ये एफर्ट से बनाना चालू किया कि उसमें कम से कम हवा बाहर निकल सके या तो फिर पंक्चर कम हो सके, पर वो प्रॉब्लम होता गया। और मॉडर्न एग्जांपल देखा जाए तो फिर ब्रिटेक्स का एनर्जी रिटर्न व्हील है जो कि ब्रिजस्टोन ने बनाया। हालांकि ये अच्छा है अगर कंपेयर किया जाए पहले के एयरलेस टायर से, पर इसमें रफ राइड्स ही मिलते हैं जिससे आपका व्हील भी डैमेज हो सकता है या तो फिर बाइसिकल का बॉडी भी डैमेज हो सकता है। अगला टायर है सॉलिड टायर। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मोस्ट कॉमनली एयरलेस फॉर्म है वो है सॉलिड टायर। सॉलिड टायर सॉलिड रबर के साथ भी बनते हैं, पर आजकल सबसे ज़्यादा ये पॉलीयुरेथेन के बनते हैं या तो फिर माइक्रोसेल्युलर फॉर्म के साथ बनते हैं, जो कि 100% हमें प्रिवेंट करता है किसी भी तरीके के पंक्चर से। ये कंपेयर करेंगे अगर न्यूमेटिक टायर के साथ तो बहुत ही सस्पेंशन क्वालिटी इसका ख़राब है। बहुत सारे बाइसिकल सिस्टम शेयरिंग सिस्टम ये यूज़ भी करते हैं क्योंकि इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम है और इसमें पैसे भी बहुत बच जाते हैं, पर इसमें जो राइड क्वालिटी होता है वो बहुत ही रफ होता है और फिर बहुत ही दुखाने वाला होता है। कुछ कुछ कंपनीज है जो ये आजकल बनाते भी है, जो कि स्पेशलाइज्ड के है, हचिनसन के है, किक्रिफिन के है, टेनस के है, ग्रीन टायर है और पंक्चर प्रूफ टायर्स है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। इसमें मैंने सिर्फ बताया था कि टाइप कौन सा है बाइसिकल टायर का और बाइसिकल टायर होता क्या है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कैसा बनता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और इसमें कौन से वेरिएशंस होते हैं, तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखना, इसी का सेकेंड पार्ट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कुछ सीखने मिला तो कमेंट ज़रूर करना और जितना हो सके उतना दोस्तों में भी शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप जान सको थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके के साइकिल के बारे में या राइड्स के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में।